इंडिया ने अभी रिसेंटली एक एयर डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा मिसाइल बना लिया, आकाश नाम का मिसाइल। उस मिसाइल को बनाने के बाद बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया, कि भाई ये एयर डिफेंस सिस्टम आप हमें भी दे दो ताकि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें। क्या उनको पाकिस्तान में कोई कमियां नजर आ रही है? पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इतना भी कमजोर नहीं है कि उनसे डिमांड ना करें? क्या समझते हैं आप? इतना मजबूत भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर आप जो कहते हैं आकाश, उन्होंने मिसाइल बनाया, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मसला ये एक चीज का है, वो खुद बनाते हैं और खुद इसको एक्सपोर्ट बनाते हैं। कतर से, सऊदी अरब से, यूएई से जो अरबों डॉलर आ जाएंगे वो अभी तक हवा में लग रहा है, क्योंकि वो अब उन्होंने कह दिया हम आपको कर्ज भी नहीं देंगे, डिपॉजिट भी नहीं देंगे। ये लोग भी हो सकते हैं, देश भी हो सकता है कि प्रोवोक करते हैं बहुत, माने चिढ़ाते हैं। जो सहने की ताकत जो है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और उसका उदाहरण अगर आप महाभारत में देखें, वो शिशुपाल की कहानी। भारत की कूटनीतिक जीत इसी बात में हमको नजर आती है, ना सिर्फ यहाँ पे कोई हथियार बेचना या हथियार खरीदने तक सीमित रहती है ये चीज़ें, इससे ज़्यादा आप किसी देश को बांध देते हो। आपने किसी देश के साथ में इतना ज़्यादा डील किया है, आपने किसी देश से सामान लिया है, आपने उसको पैसा पहुँचाया, या फिर उसकी ज़रूरत थी किसी हथियार की, आपने उसको ज़रूरत पहुँचाया, तो क्या वो आप सोचेगा वो कि आपसे ऐसे बिना बात के पंगा ले ले? क्योंकि ऐसी भी हमारी डिप्लोमेसी नहीं कि हम एक दूसरे को गाली देते रहें, इसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी, फलाने ने बुरा बोल दिया, इसको बुरा बोल दिया। इंडिया जैसे रशिया के साथ भी यदि पेट्रोल से डील विल कर रहा है, वहाँ से तेल खरीद रहा, सब खरीद रहा, लेकिन उसने कभी भी जो US ब्लॉक है या जो यूरोपियन ब्लॉक है उसको कभी भी कोई गलत बात नहीं बोली। यही इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी, जिसके मास्टर हैं एस जयशंकर साहब। हालांकि हम लोग आखिरी में इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसे लोगों क्यों आना ज़्यादा ज़रूरी भी और भारत में मुश्किल भी ऐसे लोग का आना, पर पहले वीडियो के उधर हम चलते हैं। क्या वजूहत है अभी के टाइम में कि हर कोई इंडिया की तरफ रुजू करता है? जाहिर सी बात है, ये एक कंपटीशन का दौर है, तो हर मुल्क चाहता है अपनी जो डिफेंस हो या नेशनल इंटरेस्ट हो वो हासिल करना चाहती है। तो अब बात करते हैं इंडिया की जो मिसाइल की, तो ये न्यूक्लियर दौर है, तो यहाँ पे हर मुल्क अपनी जो मजबूत कर। सऊदी अरेबिया तो एक मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल है ना, वो मुल्क कंट्री, तो अगर वही, क्या समझते हो आप इंडिया के साथ कितने मजबूत होते जा रहे हैं रिलेशंस हर कंट्री के, मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, क्या इससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल नुकसान हो सकता है। ये चीज नोट की है कि इंडिया जो है वो जहां पे भी जाता है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेसिस ऑफ डेवलप करता है और एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। मतलब उनका जो जो रिलेशनशिप या जो डिप्लोमेसी है वो पर्सनैलिटी पे बेस नहीं करती, वो बेस करती है वो जो रूल्स रेगुलेशन अदारे बनाना उस पे है। पाकिस्तान का जो आपने कहा तो है, कंपेयर ना करें, लेकिन हमें करना पड़ता है। कभी कभी लोग आपको ना, ये लोग भी हो सकते हैं, देश भी हो सकता है, कि प्रोवोक करते हैं बहुत, माने चिढ़ाते हैं, दबाव डालते हैं, और हमें सहना पड़ता है। ये भारत की स्थिति नहीं है, माने ये पॉलिटिक्स में होता है। तो सबसे जो सहने की ताकत जो है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और उसका उदाहरण अगर आप महाभारत में देखें, वो शिशुपाल की कहानी। पॉलिटिक्स माने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें, ये एक दुविधा और है, एथिक्स और टैक्टिक्स, कि जो करना चाहिए, माने जो 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 कानून या संस्कृति के हिसाब से करना चाहिए, और जो मजबूरी है, तो ये ज़रूरत भी है, पर कभी कभी इसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये एथिक्स टैक्टिक्स की जो डुअलिटी जो है, और ये बार बार महाभारत में अलग अलग इसके उदाहरण हैं। जो प्रोटोकॉल इस वक्त तक इंडियन लीडरशिप को मिला, मैं प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं करता, चूंकि वो 50s की बात है, तो उस वक्त प्रोटोकॉल्स की हदूद भी और प्रेसिडेंट्स भी जो है वो थोड़ी थी। लेकिन आप सिर्फ मनमोहन और नरेंद्र मोदी की देख लें। मनमोहन सिंह ने जो है वो सऊदी पार्लियामेंट से खिताब किया था, जो कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के। ये जो मुस्लिम हुक्मरान जिनको अपने आप को मर्दे मजाहिद और पता नहीं क्या क्या करार देते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कोई उनको पार्लियामेंट के सामने से भी गुजरने देगा। ये हमने कई दफा देखे जो है ना, ये आप सामने रख के देखें कि जो है
इसके पीछे एक पूरा एक बैकग्राउंड होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें के मुल्क अपने मफादात को लॉन्ग टर्म बुनियादों पे देखते हैं। पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप जो है वो हमेशा इस तरह चलती रही कि जो शख्सियत बैठी हुई थी उसने सऊदी अरब को इस्तेमाल करके अपने इकदार को 2-4 साल आगे करने की कोशिश की, या अपने क्राइसिस से निकालने के लिए सऊदी एम्बेसी और सऊदी सफारतकारों का इस्तेमाल किया। जैसे आप आखिर में दुर्योधन जो है या कर्ण जो है, दोनों जो हैं एक किस्म से गैर कानूनी, गैर माने गलत तरीके से उनकी मृत्यु होती, जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर जो खुद जो उनकी अगर व्यवहार देखें तो ये भी देखना है कि पॉलिटिक्स में जो खुद रूल का पालन करते हैं उनका हक होता है कि दूसरों से वो अपेक्षा हो, जो खुद नहीं करते उनके बारे में भी सोचें। और आज की दुनिया के बारे में सोचिए, उससे ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी, उस दिन अर्जुन को वहाँ जाना होता है और इसीलिए अभिमन्यु की मृत्यु होती कि कौरव का प्लान ये है कि अभिमन्यु को सुषर्ण के चैलेंज से डाइवर्ट कर दो और फिर युधिष्ठर को गिरफ्तार करने की कोशिश करो, और युधिष्ठर को बचाने के लिए अभिमन्यु जाते हैं। तो आप देखिए कि कितना नुकसान सुषर्ण ने अर्जुन को पहुंचाया, और उनकी पुरानी दुश्मनी थी। तो कभी कभी छोटे प्लेयर भी होते हैं, अगर उनकी एक ही एजेंडा है, एजेंडा ये है कि जो मुझे होगा परवाह नहीं पर आपको मुझे नुकसान पहुंचाना, एक ही जगह पर और वेट करते रहते हैं कि विकेट कब गिरेगी, और दूसरा बिल्कुल वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत पर, हुकूमत छुपती जा रही है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जितना वीक होती जा रही है उतना अपना वो हमला तेज करते जाएंगे, और आगे से अगर रिटेलिएट इनमें से कोई करेगा तो फौरन यू टर्न मार जाएंगे। ये खास साहब की टोटल सियासत यही है। खास साहब, ये जो जिन बोतल से निकल चुका है, अब ये अंदर जाना जो है बड़ा मुश्किल है। ये जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करता है, ये यूट्यूब बंद करने से ये नहीं जाएंगे। खान साहब जब उनके सामने लोग खड़े होते हैं और वो जब वो देखते हैं, बार बार कहते हैं कि मैंने टेप रिकॉर्ड करके रख दी है, अगर मुझे कुछ हुआ मेरी कौम तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कभी कहते हैं मैं तुम्हारे चेहरे लोगों के सामने खड़ा कर उतार दूंगा नकाब तुम्हारा, इस वक्त ये देखें। लेकिन जो मैं जिस सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, मैंने खान साहब जो है मैंने इनका नाम रखा है निकलो मैकियावेली नियाज़ी। ये असल में इनका जो प्लान है बड़े कामयाब इस चीज में। इनको आज भी इन्होंने पिशावर में तकरीर कम की है, सिनेमा शो ज्यादा चलाया। एस जयशंकर साहब की काबिलियत कितनी है ये तो कोई भी थोड़ा न्यूज देने वाला व्यक्ति भारत का जानता है, पर बड़ी बात यह है आप देखो, चलो अभी तो 2019 के बाद से फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं जयशंकर साहब, उसके बाद भली थोड़ी उनकी पॉपुलैरिटी हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी आप लोग ईमानदारी से बचाओ, अगर उनको मोदी जी डायरेक्ट नहीं लेकर के आते तो क्या वो पॉलिटिक्स में आ पाते या कभी मिनिस्टर बन पाते? ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा धब्बा भी है भारतीयों के लिए एज अ वोटर, क्योंकि हमें जो है अभी आप अगर देख लो पब्लिक में जा करके या नॉर्मल जिस तरीके की पार्टी अलग अलग जगह चुनाव लड़ती हैं, आज भी चाहे मनोज तिवारी जैसे नेता हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर टाइप के नेता हों, चाहे और कितने कितने नाम हैं, किसी को पर्सनली किसी पे हमला नहीं, किसी से पर्सनली नफरत नहीं तो उस पर ना लें, पर इस टाइप के नेताओं का जो वोटर बेस है वो कहीं ज़्यादा है आज भी जयशंकर साहब से। जयशंकर साहब को उतने वोट नहीं पड़ेंगे जितने इन सब नेताओं को पड़ जाएंगे। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो एज अ इंडियन कितनी ज़्यादा घटिया हम लोग का वोटिंग पैटर्न है। इसको समझना चाहिए, अपनी गलतियों को जो है वो समझना भी चाहिए, सुधारना भी चाहिए। आप देखो भले ही एम्बेसडर भी रहे हैं पहले जयशंकर साहब US के लिए भी, चाइना के लिए भी, चेक रिपब्लिक के लिए भी, तो कितना ज़्यादा उन्होंने इस मामले में, उसके पहले मोदी सरकार में ही फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, तो कितना ज़्यादा वो मंझ के इस पायदान तक पहुँचे हैं। और
वहीं पे कई सारे आज भी आप देख लो, चाहे अभी मौजूदा सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो, चाहे कोई सरकार उठा लो, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक्स वाई जेड, जनता दल और पुराने पुराने जनसंघ कोई भी रही हो, सबको कम से कम 40% मिनिस्टर्स तो केंद्र में ऐसे रखने पड़ते हैं जो किसी काबिल नहीं होते हैं, किसी काम के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो जिस लैंग्वेज को बोलने वाले स्टेट से आते हैं, जिस स्टेट से आते हैं, जिस कास्ट से आते हैं, सिर्फ उनका वोट मिल जाए, सिर्फ उसके लिए रखने पड़ते हैं। और ये हम लोगों की अपनी गलती है, अपनी समस्या है कि हम लोग वो देख करके वोट देते भी हैं। अगर उन लोगों को हटा दिया जाए जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिए हैं तो फिर लोग हमारे जैसे ही लोग भड़क जाते हैं कि क्या कर दिया, हमारे जात वाले हटा दिया, हमारे राज्य के साथ में ये तो गलत व्यवहार हो रहा है, ये तो दिल्ली जो है हमारे लैंग्वेज को दबाना चाहती है, हमारे लैंग्वेज बोलने वाले को हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा जो है वो हमें सुधार करने की ज़रूरत है, वरना इस तरीके के काबिल लोग जो हैं वो कभी भी पॉलिटिकली जो रास्ता है चुनाव लड़के पहुंचना, उस तरीके से कभी नहीं आ पाए।